चलो तिब्बत से ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह किस राज्य में स्थित है? तो 31 का दूसरा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आईपीएल 2018 की विजेता टीम कौन सी है? 2018 की पूछी गई आईपीएल की। ठीक है चलो भाई, तो आपका यही है सीएसके चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स का विस्तार शब्द विस्तार करना है और 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। एक्वायर्ड एम्स सिंड्रोम, तो ये चौथा ऑप्शन राइट है। ठीक है, डिफिशेंसी होता है ना, तो डिफिशेंट नहीं होता, डिफिशेंसी होता है। तो 33 का चौथा पार्ट राइट है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशेंसी सिंड्रोम चौथा पार्ट राइट है, चौथा राइट है। ठीक है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? 34 नंबर प्रश्न है, तो दूसरा रामतनु पांडे था। फिल्मों से जुड़ी पहली भारतीय हस्ती जिन्होंने फ्रांस का सर्वोच्च असैनिक सम्मान लीजन डी ऑनर दिया गया था, कौन थे वो? 35 का तीसरा, सत्यजीत राय। अगला प्रश्न देखते हैं, मदर टेरेसा मूलतः किस देश की थी? 36 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन का क्या होगा? पहला अल्बानिया। ठीक है, मदर टेरेसा किस देश की थी? अल्बानिया की थी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है, पार्थर पंचाली नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 37 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन का चौथा विभूति भूषण बनर्जी है। बंगाल के विभाजन या बंग भंग किस वर्ष हुआ था? तो बताइए बंगाल के विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था, सबको पता होगा। 38 का यहाँ पे तीसरा पार्ट राइट है। ठीक है चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम पूछा गया भारत के, वो भी अब बताइए क्या 39 नंबर प्रश्न की दूसरा, सी राजगोपालाचारी है, इसको थोड़ा याद कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, ल्यूकेमिया निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम है? 40 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन चौथा रक्त कैंसर से। किस रक्त समूह का व्यक्ति सरदाता हो सकता है? बताइए, सभी दे सकता है जो रक्त, बताइए कौन सा ऐसे ब्लड बताना आपको। 41 का राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? दूसरा ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव होगा। ठीक, दूसरा नंबर, जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स के जनक 42 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए? 42 को 4, ग्रेगर जॉन मंडल को कहा जाता है जेनेटिक्स, अनुवांशिकता का सिद्धांत। आपने ये शायद आपने हाई स्कूल में बायो में पढ़ा था। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? 43 का राइट ऑप्शन पहला, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलो भाई अगला देखते हैं, तीन सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तीन सेनाओं का, तो बताइए राष्ट्रपति आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44 का डी ऑप्शन ये चौथा कह सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एस्किमो जनजाति के लोग जो बर्फ का घर बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 45 का तीसरा, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला होती है फिलीपींस की, सिंपल था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबा नागार्जुन का संबंध किस क्षेत्र से इंपॉर्टेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए? अब बताओ राइट ऑप्शन का क्या होगा, तो साहित्य से। ठीक है चलो भाई, अब ये कि देखो इंडिया कोस्ट गार्ड के लिए मैं टॉप 25 जीके क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर लो, मैंने तब से अभी तक एक बार भी नहीं बोला, अब बोल रहा हूँ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। तो अब ये कि पेपर के क्या पेपर तक आपको जल्दी जल्दी 28 तारीख तक, जल्दी जल्दी 27-28 तारीख तक खूब जम के आपको प्रैक्टिस सेट हम करा देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो चैनल से ये कि सब्सक्राइब कर लेना, जुड़े रहना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि कोई भी वीडियो जैसे मेरे आए। आपको ये पता, मैं आपको एक बात बता दूँ, YouTube में 3 से ज़्यादा वीडियो नहीं जाती हैं, और मैंने क्या किया था, मैंने आपको 10 वीडियो उस दिन डाली थी, 18 तारीख को 11 तारीख को 19 तारीख को 11 वीडियो डाली थी, और 20 तारीख को भी डाली थी 10 वीडियो। ठीक, आज 21 तारीख है, देखो आज कितने डाल पाते हैं। ठीक है, तो ये कि नोटिफिकेशन की चिंता मत करना, मेरा वीडियो जाके देख लेना है प्लेलिस्ट उसमें चैनल पर जाके। ठीक है चलो भाई, आपको यहाँ एग्जाम गुरु लिख के आ रहा होगा। ठीक है, उसी में जाके क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको होम फिर वीडियो फिर प्लेलिस्ट आएगा, तो प्ले हो वीडियो में जाके सब कुछ देख लेना अगर आपने ना देखा हो तो। भारत का कौन सा राज्य जंगली गधों का एकमात्र निवास स्थान है? 48 का तीसरा पार्ट, गुजरात का। भारत सरकार ने कब तक देश को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 49 का चौथा, 2025 तक। ठीक है, प्रख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग किस देश के निवासी थे? 50 नंबर प्रश्न है, तो इसका ब्रिटेन के। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना, स्टीफन हॉकिंग आपके ब्रिटेन के थे। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैंने आपको टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक जरूर एक बार कर लेना, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।